सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पिछले दिनों पलामू में अफीम तस्करों की गिरफ्तारी से पलामू पुलिस का मनोबल काफी ऊंचा उठा है। यूं तो वर्षों से पोस्ते की खेती और अफीम की तस्करी से जुड़े हुए लोगों पर नकेल कसने की कवायद चल रही है। सैकड़ों की तादाद में जहां लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, वहीं कई लोगों को सलाखों के पीछे भी धकेला गया। अब पलामू पुलिस पूरी तरीके से पोस्ते की खेती और इससे होने वाले तस्करी को रोकने के लिए कटिबद्ध दिख रही है। पलामू के डीआईजी विपुल शुक्ला ने जहां एक बयान जारी कर कहा है कि अब जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं वो सीधे सीधे जिम्मेवार होंगे, जिस पंचायत प्रतिनिधि के क्षेत्र में पोस्ते की खेती होती पाई जाएगी उन पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे पोस्ता की जो खेती है हर वर्ष होती है, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और इसका जिसके अफीम और इसकी पैदावार से जो सभी को नुकसान होता है, ये हम लोग अभी से इसमें अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके तहत जो यहाँ के जो हमारे मुखिया सरपंच और वार्ड सदस्य सभी को हम लोगों ने बुलाया है और ये इनके माध्यम से हम सभी गांव तक गांव के नीचे तक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये खेती इस बार किसी हालत में नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ये खेती होती है इसका मास प्रोडक्शन वो अफीम के रूप में चरस गांजा के रूप में होता है, बाद में ये यहाँ से स्मगल होकर बाहर जाता है और इसमें लाखों लाख रुपए की लेवी वसूली उग्रवादियों को और बैड एलिमेंट्स को होती है, तो ये सारा पैसा अल्टीमेटली चला जाता है हमारा हमारे ही विरुद्ध जाता है, समाज के विरुद्ध जाता है। तो इस यही इनको आज अवेयर किया गया है कि जो आप ये होने दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो इसमें एज पब्लिक आपका भी दायित्व है कि आप जिस आपके अगल बगल में कहीं खेती हो रही है तो उसको ना होने दें, क्योंकि सभी ये लोग कहते हैं कि सर हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको जानकारी, तो आप जानकारी उपलब्ध कराइए और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने लास्ट ईयर करीब हमारे पलामू रेंज में 1000 एकड़ जमीन में एकड़ में लैंड में हम लोगों ने पोस्ते की खेती को नष्ट किया, तो हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से इस बार खेती ही ना हो ताकि ये नौबत ही ना आए कि हमको नष्ट करना पड़े। मेरा आपके माध्यम से सभी जनता से अपील है कि वो इसमें हम लोग का सहयोग। वहीं इस संदर्भ में पांकी थाने में आयोजित एक बैठक में डीआईजी विपुल शुक्ला ने वहां के तमाम जनप्रतिनिधियों को और बुद्धिजीवियों को इस बात के लिए आगाह किया, उनसे आग्रह किया कि अगर उनके क्षेत्र में इस प्रकार की पोस्ती की खेती की जा रही है तो इसकी अविलंब सूचना वो पुलिस को दे ताकि आम आदमी और पुलिस मिलकर के समाज के इस कोड़ को खत्म कर सके।